भोजपुरी की वो एक्ट्रेसेस जिन्हें प्यार में मिला धोखा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जहां हम आपको बताएंगे कि भोजपुरी की इन टॉप एक्ट्रेसेस को प्यार में धोखा कब, कहां और कैसे मिला। तो शुरुआत करते हैं रानी चटर्जी से। वैसे तो आप सभी को पता है कि रानी चटर्जी बहुत कम उम्र में ही भोजपुरी सिनेमा में कदम रख दिया था, लेकिन उम्र और प्यार का कोई कनेक्शन नहीं होता। दिन रात सेट पर रहने के कारण ये एक्टर और एक्ट्रेसेस एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, और ऐसा ही कुछ रानी चटर्जी के साथ हुआ जब रानी अपने फिल्म के सेट पर पहली बार पवन से मिली और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इनका ये प्यार जमाने की नजर में तब आया जब रानी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनका भोजपुरी के एक सुपरहिट सिंगर कम एक्टर से करीबी रिश्ता था। महज 2 महीने में इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा और पवन के हैरेसमेंट के बाद ये रिश्ता टूट गया। रानी की माने तो पवन को लेकर वो काफी सीरियस थी और अपने इस रिश्ते को वो नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहती थी, लेकिन रानी का दिल तब टूट गया जब पवन का इंटरेस्ट और लड़कियों में बढ़ने लगा। यानी कि रानी को दिया पवन ने प्यार में धोखा। अब हमारे लिस्ट में दूसरी एक्ट्रेस है पाखी हेगड़े। पाखी हेगड़े ने निरहुआ से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। निरहुआ भी पाखी के तरफ तब तक ईमानदार रहे जब तक उनके लाइफ में आम्रपाली की एंट्री नहीं हुई थी। आम्रपाली की एंट्री हुई और निरहुआ के लाइफ से पाखी की एग्जिट हो गई। आज तक इन दोनों के रिश्तों में महज बिखराव क्यों आया ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, पाखी हेगड़े की माने तो जितनी ईमानदार वो निरहुआ के प्रति थी, उतने ईमानदार निरहुआ पाखी के लिए नहीं थे। नगमा। भोजपुरी फिल्मों में कभी नगमा और रवि किशन की जोड़ी काफी पॉपुलर हुआ करती थी। नगमा और रवि किशन एक दूसरे से प्यार भी करते थे। हमारे सूत्रों की माने तो नगमा और रवि किशन एक दूसरे से शादी तक करने वाले थे, लेकिन बीच में रवि किशन की पत्नी आ गई और परिवार और नगमा के बीच रवि किशन ने चुना तो अपने परिवार को और नगमा को कह दिया टाटा बाय बाय। यानी कि रवि ने भी प्यार में धोखा दिया नगमा को। निशा दुबे। भोजपुरी एक्ट्रेस निशा दुबे को भी प्यार में धोखा मिला है और उन्हें धोखा देने वाले भोजपुरी के उभरते एक्टर और पवन सिंह के चेले अरविंद अकेला कल्लू है। हाल ही में निशा ने खुलासा किया एक इंटरव्यू में कि वो अरविंद अकेला कल्लू को लेकर काफी सीरियस थी और वो उनके साथ सेटल होना चाहती थी, लेकिन उन्हें अरविंद अकेला कल्लू ने प्यार में ऐसा धोखा दिया जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। भोजपुरी जगत की मसालेदार और हॉट गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।